सीएए और एनआरसी सहित कई मुद्दों को लेकर आज विभिन्न संगठनों द्वारा भारत बंद बुलाया गया है। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध में आज बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। शाहीन बाग और देवबंद के बाद अमरोहा में भी एक ही समुदाय के लोगों ने भारत बंद के समर्थन में अपनी दुकानों को बंद कर दिया है और दुकानों के शटर पर भारत बंद के पोस्टर लगा दिए हैं और सीएए और एनआरसी को काला कानून बता रहे हैं। यूपी के अमरोहा में एक बार फिर एनआरसी और सीए के विरोध में भारत बंद के ऐलान का समर्थन करते हुए एक ही समुदाय के लोगों ने जिले भर में अपनी दुकानों को बंद करके एनआरसी और सीएए के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। यह तस्वीरें यूपी के अमरोहा के हसनपुर इलाके की है, जहां दुकानों के शटर पर भारत बंद के पोस्टर चस्पा दिए गए हैं और रातों रात लगाए गए इन पोस्टरों को पुलिसकर्मी हटाते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और, एक ही समुदाय के लोगों ने भारत बंद का समर्थन करते हुए अपनी दुकानों और संस्थाओं को बंद कर दिया है। दुकानदारों के साथ साथ मदरसा संचालक भी इस मुहिम में अपनी भागीदारी बता रहे हैं। और जब पुलिस को भारत बंद की जानकारी मिली तो पुलिस ने रातों रात इन पोस्टरों को हटाना शुरू कर दिया और पोस्टर लगाने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, पर पुलिस अधिकारी अभी इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं है। इस मामले पर जब अपर पुलिस अधीक्षक व एसडीएम अमरोहा से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। ये आज जो मार्केट बंद करी गई है, हमने एनआरसी और उसके खिलाफ बंद करी है। आज हम जो भारत बंद है उसका समर्थन करते हैं और इस काले कानून की मुखालफत करते हैं और इसकी घोर निंदा करते हैं। आज जो हमारी बहन माता है और बहन शाहीन बाग में बैठी है ना, आज मोदी जी इनकी हमदर्दी के लिए तीन तलाक कानून के लिए चिल्लाते थे, आज वो मोदी का खोए हुए हैं। मैं मोदी के और उसके काले कानून की घोर निंदा करता हूं और हम इसका समर्थन करते हैं। मैं कांग्रेस आज किस लिए मार्केट भी यहाँ पर बंद है? ये मार्केट इस वजह से बंद करी है कि हमारे संविधान पर जबरदस्त हमला होने जा रहा है, जिससे हम एक संविधान के जरिए हिंदू और मुसलमान एक साथ जुड़कर रहते हैं। किसी जरिए हमने फिरका परस्ती कराने के बाद, हिंदू मुस्लिम कराने के बाद हमारे संविधान पर जबरदस्त हमला हो रहा है। इसकी वजह से हमने आज ये जाहिर करा है कि हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं और इस वजह से हमने मार्केट बंद करी है। और ये एनआरसी के नाम पर जो एनआरसी से कि जो जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा या ये सीए और बी सीए के नाम से कि हम उनको नागरिकता दे देंगे, उनको नागरिकता नहीं देंगे, इसके हवाले से हमने इतना छांट कर दिया है कि मुसलमान को नागरिकता नहीं दी जाएगी, उस फला को दी जाएगी, फला को दी जाएगी। इसकी वजह से हम सारे लोग इस मिलकर कि हम बराबर किस रहने वाले हैं हिंदुस्तान की आज़ादी में, सबों का हमारे किरदार रहा है और इसी तरीके से हम आगे भी मिलकर रहना चाहते हैं। इसी इस कानून को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम हिंदू और मुसलमान मिलकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं मदरसा अरबिया लतीफिया के प्रबंधक हूँ और सदर जमीयत उलमा शहर हसनपुर हूँ, शेखुल हिंद ट्रस्ट के सदर हूँ। और मैंने कल व्हाट्सएप के ज़रिए से ऐलान किया था कि एनआरसी सीएबी और एनआरपी के ख़िलाफ़ मार्केट बंद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने यानी अपना नाराज़गी जताई है कि ये बिल वापस होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हसनपुर के तमाम मार्केट बंद हैं। और मैं जो देख रहा हूँ, खबरें देख रहा हूँ, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ का लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया है और मार्केट बंद हैं। आखिर हुकूमत को ज़िद किया है? आज जो हिंदुस्तान में एक उथल पुथल की शक्ल है और प्यारे वतन को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ 4-5 लोग हैं। पहले नंबर त्रिपाल अमित शाह जी, दूसरे यूपी के गुंडा मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी। जब हिंदुस्तान के आवाम नाराज हैं तो आप इसको वापस लेने में क्या परेशानी है? और ये जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ जगह ब जगह धरने पर बैठी हैं, इनके बारे में गलत सलत टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी लानत भेजता हूं और थूकता हूं उसके मुंह पर। और हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूं कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए आप इस बिल को वापस लीजिए, वरना आप
हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को डुबोना चाहते हैं, हिंदुस्तान के यानी आज जो हालात हैं, हर आदमी कारोबार से परेशान है, हर आदमी अपने आपों को इज्जत छुपाने के लिए आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा कि एक शख्स बेंगलोर से आया हुआ था धरने में 26 जनवरी पर, और उसको उठा करके कहीं स्कूल में रखा हुआ है और उसको यह पता नहीं कि यह जगह कौन सी है, और उसको कमर भर ठंडे पानी के अंदर रखा हुआ है, और तकरीबन 40-50 औरतें भी हैं दिल्ली में। उन लोगों की मदद के लिए मैं अपील करता हूं और प्रशासन से मुतालबा करता हूं, हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि उन लोगों को जल्दी रिहा कराएं। और वो संबित पात्रा जो एक रेपिस्ट है, जिन्होंने अपने बहन के साथ, अपने बेटियों के साथ रेप किया है, वो हमारी बहनों के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, शाहीन बाग को गलत तरीके से ले रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूं, शाहीन बाग की माए बहनों को, और खुसूसन जामिया मिल्लिया, JNU और MU के तलबा को, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जागरूकता पैदा की और लोगों को बेदार किया और इस कानून के, काले कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं। आपके नाम इंशाअल्लाह तारीख में ज़रूर लिखी जाएंगी। बस इसी पर मैं बात खत्म करता हूं और मुतालबा करता हूं इस कानून को वापस लिया जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।